श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों से घिरा रहने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती। भगवान का नाम भगवत प्रसंग सुनते ही वह प्रेम में मत हो उठता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दुख क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे डब्बों को खींच ले जाता है। इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषय सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होता है? जब मनुष्य समस्त सुखों के समष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, तब। जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार असल मिश्री का स्वाद चखा है उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद भाएगा? जो एक बार ऊंची अट्टारी में सो चुका है क्या उसे फिर गंदी झोपड़ी में सोना अच्छा लगेगा? इसी तरह जिसने एक बार ब्रह्मानंद का स्वाद चखा है वह क्या कभी तुच्छ विषय आनंद में रम सकेगा? जो राजा की प्रेयसी होती है वह क्या किसी भिकमंगे से प्रेम याचना करेगी? जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है वह क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा? सूप सुप्पे का स्वभाव है थोथे और असार को फेंक कर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो तो चींटी उसमें से बालू को छोड़ शक्कर को ही ग्रहण करती है। इसी तरह परमहंस और सत्पुरुष गण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही वह सीधी गति में तेजी के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख निराशा अविश्वास आदि के भंवर में पड़ जाता है, पर वह अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता, शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। दाद को जितना खुजाओ उतनी ही और खुजाने की इच्छा होती है और उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते नहीं आघाते। एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और आंखों से प्रेमश्रु की धार बहने लगती है,
उसका यह निश्चित ही आखिरी जन्म है। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोहजाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गूदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है, देह भर पड़ी रह जाती है। जो सबकी दृष्टि से दूर एकांत में भी भगवान देख रहे हैं, इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नव युवती को अकेले देखकर भी जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भरी थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है, वही ठीक ठीक धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए या लोग क्या कहेंगे इस डर से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता। निर्जन नीरव में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं। भगवत भक्तों की अपनी एक अलग ही जाति होती है जो सामाजिक नियमों से परे होती है। स्त्रियों की अपने पति के साथ एकांत में जो कुछ बातचीत होती है वह वे किसी के सामने कहने से लज जाती हैं। उन बातों को वे ना तो किसी को बताती हैं और ना बताना ही चाहती हैं। वे बातें यदि किसी तरह किसी के सामने प्रकट हो जाएं तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं, परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही वे सब बातें बताया करती हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हें बतलाने के लिए उत्सुक रहती हैं और बतलाकर आनंदित होती हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त भी भाव अवस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है और उससे उसे हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे सुख नहीं मिलता। किंतु यथार्थ भक्त को वह दिल खोल कर सब कुछ बताता है, बताने के लिए उत्सुक रहता है और बतलाकर आनंदित होता है। गायों के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गायें उसे सींग मारकर भगा देती हैं, पर अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसके शरीर चाटने लग जाती हैं। इसी भांति जब एक भक्त की दूसरे भक्त से भेंट होती है तो दोनों को ही आनंद होता है और वे एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते। परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य आ जाने पर भक्त उसके साथ मिलना नहीं चाहता। क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता? गंजेड़ी को अकेला गांजा पीने में आनंद नहीं मिलता, गंजेड़ी की ही तरह भक्त को भी अकेले ही भगवान का नाम गुणगान करने में मजा नहीं आता। तांत्रिक शव साधना में साधक को शव की छाती पर बैठकर साधना करनी होती है। उक्त शव साधना करते समय साधक को पास ही में चना चबेना और मदिरा लेकर बैठना पड़ता है। साधना के समय बीच में यदि शव जागकर मुंह फाड़े तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है।
ऐसा करने से वह फिर स्थिर हो जाता है, अन्यथा वह साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। इसी तरह तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो, अन्यथा संसार रूपी शव तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा।